जो बैन आवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है, हम सबकी ने कि आज हमारा वो बिल जो कौमी असम्बली से पास हुआ था और सेनेट में लटक दिया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट ने भी इसको पास किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का जो कबायली एरिया तक एक्सटेंड करना था वो पास हो गया। ये विंडो ओपन गई और इंशाल्लाह मजीद जितने भी जो अहम मसाइल हैं इंशाल्लाह इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, इंतजाम के लिए कोशिश करेंगे। एफसीआर के खात्मा तो हो गया लेकिन बहरहाल अब भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो अभी कबायली अवाम उसका सामना कर रहे हैं। जिस तरह हमारे सेनेटर साहिबान ने इसकी निशानदेही की, परमिट का सिस्टम है इसको भी ख़त्म करना चाहिए, एनएफसी में कबायली अवाम को अपना हक देना चाहिए। वो अगर हमारा 3% बनता है, 5% बनते हैं, 4% बनते हैं, इसके मुताबिक वो अपना हक, और एनएफसी में कम अज़ कम कबायली अवाम को हक दिया जाए। 2018 में हमारा अब भी मुतालबा है कि अब भी वक्त है इसमें सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों की ने इसमें किया जाए, और अगर इसमें न हो सके तो कम अज़ कम 2023 के लिए तो ज़रूर इसमें पहले सूबाई असम्बली में करना चाहिए, सीटें उनका इजाफा करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन तो अब इसके बाद हमारा हक बनता है, कबायली अवाम का हक बनता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंशाल्लाह इसमें हम अपील में जाएंगे और वो हमारा साथ देंगे, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम राइज करेंगे।